उधर सिंगरौली जिले के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे पर सिंगरौली पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला खनिज प्रतिष्ठान के न्यास मंडल की बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में जिले के सभी जनप्रतिनिधि और विभाग प्रमुख के साथ प्रभारी मंत्री ने खनिज प्रतिष्ठान से चल रहे लंबित कार्य और आगामी प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की है। वहीं जो काम नहीं हो पा रहे हैं उनके ठेकेदारों को टर्मिनेट करके नए सिरे से इसको शुरू करने, बिजली व्यवस्था को सही रखने, अच्छी सड़क बनाने के साथ साथ टीकाकरण महाअभियान को पूरा करने और बाकी के कामों को निश्चित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। हमारे ट्रांसफार्मर हमारे जो खराब हो रहे हैं उनको उनकी बात आई कि साहब हमको सतना से अंदर जाने में ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो रही है। इसमें एक सुझाव ये भी आया कि साहब एक डिपो यहीं पे सिंगरौली में खोला जाए, उसके लिए भी डिपार्टमेंट से हमने प्रस्ताव बोला है कि इसको भेजा जाए और इस पर हम लोग जो शासन स्तर पर जो भी बातें होंगी हम विधायकगण मिलकर सर्वोदय के मंत्री से भी बात करेंगे। ऐसी अन्य चीज़ें हैं जैसे कि हमारे कुछ हैवी ट्रैफिक होने के कारण हमारी रोड्स खराब होती हैं, तो उसको जो हमारा एक ग्रामीण अधोसंरचना को लेकर जो हमारा फंड है उसमें कॉन्क्रीट रोड बनाई जाए जिससे कि वो हमारी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।